नए वेरिएंट BF7 की दस्तक जो है वो आ चुकी है, क्योंकि गुजरात और ओडिशा में दो दो केस मिल चुके हैं। तो चीन में BF7 ने कोहराम मचाया हुआ है, जापान, ब्राजील, अमेरिका में लगातार केस बढ़ रहे और ऐसे में भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। और केंद्र सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दे दिए। हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी को देखते हुए हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है और कोरोना के वेरिएंट के कारण ही चीन में कोविड के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के केसों में एक साथ उछाल देखा जा रहा है। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने अक्टूबर में भारत में BF7 के पहले मामले का पता लगाया था। और अभी तक की जो जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गुजरात में 2 और ओडिशा में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता है। तो जरूरत है सतर्कता की, सावधानी की, क्योंकि नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस मिले हैं और अभी इसको कहा जा रहा है कि ये बढ़ भी सकते हैं, तेजी से बढ़ सकते हैं, इसीलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सावधानी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जितने भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की भी बात की जा रही है। कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि अगर कुछ भी कोई कर रहा है, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो उसमें कोविड के नियमों का पालन जरूर करें लोग, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चीन में मामले सामने आ रहे हैं और इसका असर भारत पर भी नजर आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक, गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस मिले हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद से ही सावधानी बरतने की बात की जा रही है ताकि